हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों देख रहे हैं PCSJEE की परीक्षा निरस्त करने की मांग खारिज। देख रहे हैं जो PCS का एग्जाम हुआ था, इसमें धांधली बताया गया था कि एक ही कमरे के जो 45 बच्चे पास थे उसमें 35 बच्चे मेंस में ही पास हो गए हैं। इसमें अंजू कटियार के टाइम पर ये पेपर हुआ था, तो इसमें धांधली का आरोप लगाए थे। और मेंस का एग्जाम हो चुका है, इसमें इंटरव्यू चल रहा है, तो इसीलिए इसके खारिज कर दिया गया है। देख रहे हैं हर परीक्षा निरस्त करने की मांग दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका मोहम्मद जुबैर और 6 अन्य लोगों ने दाखिल किया था। इस पर न्यायमूर्ति RSR मौर्य, न्यायमूर्ति PS अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि लोक सेवा आयोग की गिरफ्तारी परीक्षा नियंत्रक कार्यकाल में आयोजित की गई थी। PCS 2018 की परीक्षा निरस्त किया जाए। याचिका का कहना है कि परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तारी आयोग की आयोजित सभी परीक्षाओं की सुचिता पर सवाल खड़ा हो रहा है। परीक्षा में धांधली की आशंका है। PCSJEE परीक्षा की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को कार्यकाल में आयोजित की गई थी, लिहाजा इस परीक्षा निरस्त किया जाए। आयोग के अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी और अन्य अधिवक्ता का कहना है कि प्रारंभिक और लिखित परीक्षा पूरी हो चुकी है और साक्षात्कार चल रहा है। परीक्षा में आयोजक पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा, जिससे यह कहा जा सकता है कि यह इसकी सुचिता संदिग्ध है। कोर्ट आयोग की दलील को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि इसमें बच्चों का धरना चल रहा था कि इसे रद्द किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेंस के एग्ज़ाम को रद्द नहीं किया गया, इसमें इंटरव्यू भी चल रहा है। तो बस दोस्तों ये देख रहे हैं, खारिज कर दिया गया। तो ये अपडेट देना था इस वीडियो में, इतना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।